राधे राधे मित्रों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जब रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की जयंती के नाम से जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों की प्राप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी माँ लक्ष्मी का अवतार थी, अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष कार्य आप करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। अगर आप जन्माष्टमी के दिन कुछ विशेष कार्य 10 कार्य हम आपको बताने वाले हैं। अगर जन्माष्टमी के दिन ये कार्य आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो निश्चय ही आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वे 10 कार्य जो जन्माष्टमी के दिन आपको जरूर करना चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। पहला कार्य है, अगर आपके जीवन में धन लाभ ना हो रहा हो, नौकरी में प्रमोशन ना हो रहा हो, तो जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर पर बुलाकर खीर खिलाएं और ये काम आगे के 5 शुक्रवार तक लगातार करते रहें। ऐसा करने से जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि आती है और धन का लाभ होता है। दूसरा कार्य है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के प्रभु श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला जरूर अर्पण करें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होने लगता है और धन लाभ के योग भी बनते हैं। तीसरा कार्य है, जन्माष्टमी के दिन प्रातः दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें और इसके बाद ये उपाय हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने वाले जातक से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चौथा कार्य है, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई, साबूदाने अथवा चावल की खीर यथाशक्ति मेवे डाल करके बना करके उनका भोग लगाएं और उसमें चीनी की जगह मिश्री डालें एवं तुलसी के पत्ते भी जरूर डालें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। पांचवा कार्य है, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बराधारी कहते हैं और पीताम्बरा का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र धारण करता हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन किसी मंदिर में जाकर के भगवान को पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज और पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में कभी भी धन और यश की कोई कमी नहीं रहती। छठवां है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम जन्माष्टमी के दिन चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि जो जातक जन्माष्टमी से शुरुआत करके भगवान कृष्ण के मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और उसको जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। सातवां कार्य है, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करें और उसके बाद उस पत्ते पर रोली से श्री मंत्र लिखकर उसे अपनी तिजोरी पर रख लें। इस कार्य को करने से धन का आगमन होता है। आठवां है, जन्माष्टमी की रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां है, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन पीले चंदन, केसर और गुलाब जल इनको मिला करके माथे पर टीका लगाएं और उसके पश्चात ये काम हर गुरुवार को करें। निश्चय ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दसवां है, लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन कहीं पर केले के 2 पौधे लगा दें और बाद में उनका नियमित देखभाल करें। जब पौधे फल देने लगे तो इन फलों का दान करें और इस बात का ध्यान रखें कि ये फल स्वयं बिल्कुल ना खाएं। तो ये वे 10 कार्य हैं जिन्हें यदि जन्माष्टमी के दिन आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।